सरकार कहती है पब्लिक को धक्का लगे हॉस्पिटल ले जाए, हम उतर के जाएंगे उठाने, वहीं मार के पब्लिक हमको खत्म कर देगा। हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे कि खुद हॉस्पिटल पहुंचेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। सरकार कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही, कोई सुरक्षा नहीं दे रही, ड्राइवर संघ का कोई वैल्यू नहीं है। जब जो मर्जी आता है उठा के दो थाप दे देता है, कोई पुलिस आता है रोक के कहता है 500 दे दीजिए। हर जगह से ड्राइवर को ही शोषण किया जा रहा है, जबकि भारत में ड्राइवर अगर एक दिन के लिए रुक जाए तो पूरा दुनिया रुक जाएगा, पूरा भारत रुक जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ बेटी के शादी के लिए 10 लाख पुरता नहीं है, 10 लाख जुर्माना कहाँ से देगा, आप ही लोग बताइए। अभी हमारी मौजूदगी समस्तीपुर के मगरदही घाट पे है, जो मगरदही घाट पे है, यहाँ पे आप जाम का देख सकते हैं किस तरीके टोटल चालकों द्वारा यहाँ पे जाम किया गया है, और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे एम्बुलेंस भी सके आपको फंसी हुई, किसी गाड़ी को नहीं आने जाने दिया जा रहा है, टोटल यातायात बंद है। ये समस्तीपुर का मगरदही घाट है, जो यहाँ मेन जो आपको ब्रिज है उसको जाम कर दिया गया है, और यहाँ पर कुछ हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं जो हम इनसे कुछ बात करते हैं। काला कानून जो लाया गया है उसके विरोध में हम लोग जो है रोड पे खड़े हैं, जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे हम लोग रहेंगे। काला कानून तो नेता लाते हैं, मगर यहाँ आम जनता को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। आम जनता को हैरानी नहीं, आम जनता खुद जो है उतरा है रोड पे। यहाँ अभी अभी देखने को मिल रहा है जो एक एम्बुलेंस यहाँ उसमें पेशेंट है, अब वो एम्बुलेंस में कोई भी इमरजेंसी पेशेंट जाते हैं उसको भी रोक दिया। एम्बुलेंस ड्राइवर है, ड्राइवर के बिना एम्बुलेंस नहीं चलेगा। उस ड्राइवर ने कहा कि मैं भी इसके साथ हूँ। फिर आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो कानून इस गरीब पे लगाया गया है, ड्राइवर बेचारा कमजोर होता है। क्या कानून लगाया गया है? कानून लगाया गया है, उसको बोला 10 साल का सजा होगा, 10 लाख का जुर्माना होगा। कोई ड्राइवर के पास घर में खाने के लिए नहीं है, और वो कहाँ से लाएगा 10 लाख रुपया, 10 साल जेल में रहेगा, उसका बाल बच्चा क्या खाएगा। मैं कह रहा हूँ बेटी के शादी के लिए 10 लाख पुरता नहीं है, 10 लाख जुर्माना कहाँ से देगा, आप ही लोग बताइए। जो कमाएगा 300-400 रुपया, 300 या 400 रुपया दिहाड़ी मिलता है, उसमें कहाँ से देगा। 7 साल का जेल जब सरकार करेगा तो ड्राइवर का भी सोचा उसका बीवी बच्चा क्या खाएगा, आप ही बताइए। आप लोग 7 साल जो जेल किया, 10 साल जेल है, तो मान लीजिए उसका बाल बच्चा क्या खाएगा, सरकार ये भी नहीं सोच दे उपाय। स्वेच्छा से ये ड्राइवर संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएगा सर, किसी कोई सी दबाव में नहीं है। हम लोग स्वेच्छा से हम लोग हड़ताल पर जाएंगे, सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा, जब तक वापस नहीं लेगी कोई भी ड्राइवर काम पर नहीं। अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन अपने रोजी रोटी को छोड़ के हड़ताल पे बैठेंगे, सड़क पे धरना देंगे, प्राण दे देंगे, लेकिन अपने कदम वापस नहीं लेंगे। हम आम पब्लिक, हर घर से एक ड्राइवर है सर, हर घर में एक ड्राइवर है, मोटरसाइकिल तक भी जाम किया जाएगा, मोटरसाइकिल तक भी जाम होगा, मोटरसाइकिल भी जाम होगा, चक्का जाम तो जाम, एक भी गाड़ी नहीं चलेगा, नहीं एक भी गाड़ी नहीं चलेगा। अगर ड्राइवर के प्रति सरकार नहीं सोच रहा है तो एक भी गाड़ी नहीं चलेगा, चक्का जाम तो जाम, जिस तरह कोरोना काल में जाम नहीं चल रहा था उसी प्रकार होगा। स्वेच्छा से हम लोग ड्राइवरी नहीं करेंगे, क्यों ड्राइवरी करें जब हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं, हमारी कोई सुरक्षा नहीं, हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं। सरकार कहती है पब्लिक को धक्का लगे हॉस्पिटल ले जाए, हम उतर के जाएंगे उठाने, वहीं मार के पब्लिक हमको खत्म कर देगा। हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे कि खुद हॉस्पिटल पहुंचेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। सरकार कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही, कोई सुरक्षा नहीं दे रही, ड्राइवर संघ का कोई वैल्यू नहीं है। जब जो मर्जी आता है उठा के दो थाप दे देता है, कोई पुलिस आता है रोक के कहता है 500 दे दीजिए। हर जगह से ड्राइवर को ही शोषण किया जा रहा है, जबकि भारत में ड्राइवर अगर एक दिन के लिए रुक जाए तो पूरा दुनिया रुक जाएगा, पूरा भारत रुक जाएगा अगर ड्राइवर रुक जाए। लेकिन इस जाति का कोई, इस वर्ण का कोई इंसाफ नहीं है, इसके तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं, कोई भी सरकार हो कोई भी हो, ड्राइवर के बारे में सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। बताइए हम लोग क्या करें सर, आप इंसाफ के चैलन है, हम लोगों को इंसाफ मिले, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम न रुकेंगे न हटेंगे न झुकेंगे, मिट जाएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये कब तक जाम का सिलसिला चालू रहेगा? अभी तो तीन दिनों का है सर, अभी 1, 2, 3 तारीख का है शांतिपूर्ण। अगर सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं देगी तो ये अनिश्चित काल में परिवर्तित हो जाएगा। कानून
पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कानून ऐसा पसंद नहीं है। झुकेंगे अम्बेडकर साहब का कानून चलेगा, ना झुकेंगे, ना झुकेंगे। आवाज दो हमें एक है, एक है, एक है। भारत का ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल ड्राइवर भाई लोग हैं, और इसमें कोई अडानी अंबानी के, इसमें कोई परिवार के नहीं है, कोई नेता लीडर के इसमें बाल बच्चा नहीं है। अगर ये उस तरीके के रहते तो ये अपने घर में आराम से रहते, आपकी तरह कोई एसी में नहीं रहते, एसी गाड़ी में नहीं घूमते। जो इस तरीके का कानून लाया गया है और यहाँ पर टोटल ड्राइवर भाई को नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहते हैं? यही है कि जो लगा हुआ है नियम ये हटे, नियम नहीं हटेगा जब तक गाड़ी नहीं चलेगा रोड में। कोई अगर नहीं ये वापस नहीं लिया जाता है तो नहीं गाड़ी रोड नहीं चलेगा, रोड जाम रहेगा। ऐसे हम लोग धक्का मारेंगे 10 लाख रुपया कहाँ से जुर्माना देंगे? कोई जान से भी धक्के लेगा आगे में तो कहाँ से जुर्माना देंगे उसको? कहना चाहते हैं जरूरी है इन लोगों को ड्राइवर को हड़ताल पर जाना जरूरी है, काला कानून कम से कम वापस आ जाए, ठीक है? नहीं तो इन लोग परेशानियों पड़ जाएंगे। 10 लाख कहाँ से भरेंगे? 10 लाख खाने के लिए तो रोजी 10 साल के हम कहाँ लगे? हम बाल बच्चे तो मर जाएगा, हम 10 साल जेल में रहेंगे, हमारे बाल बच्चा मर गया, हम आएंगे बाहर निकल कर क्या करेंगे? अब मेरा 43 साल उम्र हो गया, 10 साल मेरा जेल हो जाएगा, खुदा न खास कोई बात हो गया, 10 साल में जेल हो जाएगा, मेरा उम्र कितना हो जाएगा, कौन मेरा ऑनर रखेगा? हमने तो कोई कमा कर सरकारी नौकरी नहीं था कि सर्विस बच्चा को रखे, जो कमाए वो खाए, उससे ज़्यादा तो कोई ड्राइवर किया नहीं है, बाल बच्चा पाले उससे आगे तो कुछ किए नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे सर? क्या नाम है आपका? मुन्ना झा। कहाँ घर है? समस्तीपुर मुक्तापुर में मेरा घर हुआ। मुक्तापुर घर? हाँ।